अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आज आप महंगाई के इस दौर में किस तरह से अपनी ज़रूरियात जो है वो पूरी कर सकते हैं और किस तरह से आप कम पैसों में जो है वो अपनी परेशानी को हल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़रूरियात के लिए पैसों के ना होने की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में आपके साथ अलाइड बैंक पर्सनल फाइनेंस 2024 की मालूमात शेयर करूंगी। अलाइड बैंक से पर्सनल लोन हासिल करने के बारे में पहले भी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन हमारे बहुत से जो हैं वो दोस्त कहते हैं कि अलाइड बैंक पर्सनल फाइनेंस 2024 की मालूमात शेयर कर दें। इसी वजह से आज मैं जो है वो अलाइड बैंक पर्सनल फाइनेंस 2024 की मालूमात आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। आप अलाइड बैंक से आसान और सादा दस्तावेजात के साथ, यानी कि आपको बहुत कम जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप जो है वो पर्सनल लोन हासिल कर सकते हैं। ना तो बैंक को ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और ना आपसे किसी भी किस्म की एडवांस दरख्वास्त फ़ीस ली जाएगी और चंद रोज़ में आपकी दरख्वास्त भी मंजूर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात जो है वो पहुँच सके। दुनिया के किसी भी मुल्क में बैंक से कर्ज लेने के लिए हर बैंक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो शर्तें रखी जाती हैं ताकि बैंक की रकम महफूज रहे और कर्ज लेने वाला वक्त पर बैंक को अपना कर्ज वापस कर सके। बहुत से अफराद ऐसे हैं जो बैंक की शर्त पूरी नहीं कर पाते और इसी वजह से उनका लोन मुस्तरद हो जाता है। अलाइड बैंक की जानिब से पर्सनल फाइनेंस के लिए इंतहाई आसान शर्त रखी गई हैं जो कि आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। अलाइड बैंक से आप अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज़ ले सकते हैं। आप कारोबार के लिए कर्ज़ ले सकते हैं, लाइक अगर कोई कारोबार करना चाहता है तो यहाँ से जो है वो लोन ले सकता है, या फिर जो है अपने चलते हुए कारोबार को मज़ीद बढ़ाना चाहता है तो वो ये लोन ले सकता है। आप किसी के इलाज के लिए जो है वो कर्ज़ ले सकते हैं। आप बच्चों के तालीम जो है वो तलीमी अखराजात वगैरह पूरा करने के लिए भी कर्ज़ ले सकते हैं, क्योंकि महंगाई के इस टाइम पीरियड में सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ वजूहात के बिना पर तलीमी अखराजात जो है वो पूरे करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है वो अलाइड फाइनेंस जो है लोन आप वो ले सकते हैं और अपना जो है वो कर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता किस्तों की शक्ल में उतार सकते हैं। कर्ज़ की रकम से आप घर की जो है वो तज़ीन व आराइश, मतलब आप अगर रेनोवेशन करवाना चाहते हैं अपने घर में, तब भी यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप बआसानी ये लोन ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि आप ये कर्ज़ बग़ैर किसी ज़मानत और बग़ैर किसी गारंटी के लिए जो है वो ले सकते हैं। ना तो आपसे ज़मीन के कागजात गिरवी रखवाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी ज़मानत देने के लिए किसी की मिन्नत समाजत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें जो है वो बैंक की कुछ चंद शरायत हैं, जो ज़रूरी शरायत हैं आपने वो पूरी करनी है और अपनी ज़रूरत के लिए आप जो है वो कर्ज़ ले सकते हैं। बहुत से अफराद ऐसे हैं जो बैंक की शरायत पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो कमेंट्स में अक्सर कहते हैं कि बैंक कोई भी कर्ज़ नहीं देता। दोस्तों, आसानी से समझ आने वाली बात है कि बैंक आपको कर्ज़ दे रहा है और आप कहते हैं कि बैंक आपसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी ना ले, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता। आपसे जो है वो अगर सवाल पूछा जाए बस बैंक जाएं और बैंक का अमला कर्ज़ की रकम हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमेशा कर्ज़ लेने के लिए बैंक की कुछ शराइत पूरी करना होती हैं और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि बैंक आपको बग़ैर के जो है वो और बग़ैर किसी सिक्योरिटी के कर्ज़ दे रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में तमाम अफराद का सबसे बड़ा मसला ये पता क्या होता है कि इनके पास कोई ज़मानत नहीं होती। अगर आप अपनी किसी भी के लिए जो है वो कर्ज़ लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कर्ज़ अप्लाई करने से पहले आपको कर्ज़ लेने का मुकम्मल तरीका जो है वो मालूम हो और आप तक मुकम्मल मालूमात पहुंच सके। और जो है बहुत से लोग जैसे हैं जो वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं और उनको अप्लाई करने का तरीका भी नहीं पता चलता कि कर्ज़ कहाँ से मिलेगा या कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने होंगे, कौन से अफराद को कर्ज़ मिलेगा और कौन से इसको लेने के अहल होंगे। आपके तमाम सवालात के जवाबात हमारे इस वीडियो में मौजूद हों, आपने जो है वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अलाइड बैंक पर्सनल फाइनेंस की तफसील चेक कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलाइड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ बैंक की जानिब से अलाइड पर्सनल फाइनेंस के बारे में लिखा गया है।
एलाइड पर्सनल फाइनेंस के साथ आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, अपने घर के तमाम जो हैं, अगर रेनोवेशन करवाना चाहते हैं और अपने ख्वाबों का घर बनाना चाहते हैं तो, या शादी को एक यादगार जो है वो तक बनाना चाहते हैं, जदीद तरीन जो है वो गैजेट्स के साथ तैयार हों, या अपने ख्वाबों की मंजिलों पर अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ छुट्टियाँ गुजारें, बस अप्लाई करें एलाइड पर्सनल फाइनेंस और ज़हनी जो है वो सुकून के साथ आसान माहाना एक साथ में कर्ज़ की अदायगी करें, यानी आप अपनी किसी भी ज़ाती ज़रूरत के लिए बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। एलाइड पर्सनल फाइनेंस बेनिफिट्स एंड फीचर्स चेक कर लेते हैं। आसान पर्सनल लोन, आप बराबर माहाना एक साथ में कर्ज़ बैंक को वापस कर सकते हैं। कर्ज़ वापसी के लिए आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको 1 से 4 साल तक का वक्त मिलेगा। लोन अमाउंट की अगर तो आप कम से कम जो है 20,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। आसान और सादा जो है वो डॉक्यूमेंट्स होंगे। एलाइड पर्सनल फाइनेंस के लिए आपसे जो है वो बहुत ज़्यादा कागजात नहीं लिए जाएंगे और ना ही ऐसी कोई शराइत रखी जाएंगे जिसे आप आसानी से पूरा ना कर सकें। पर्सनल फाइनेंस अप्लाई करने के लिए आपसे किसी तरह के जो है वो चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। कम मार्कअप रेट होगा, यानी मार्कअप दूसरे बैंकों से कम लिया जाएगा। फाइनेंस जो है उसकी एंड बेसमेंट की जो सहूलत है वो भी आपको मिलेगी। आप अपना तमाम जो कर्ज़ है वापस करने से पहले मज़ीद कर्ज़ भी अप्लाई कर सकती हैं। कर्ज़ वापसी के लिए आपको फुल पेमेंट और पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गुड ऑप्शन है। यानी अगर आप वक्त से पहले लोन एग्रीमेंट ख़त्म करना चाहें या माहाना साथ में ज़्यादा रकम अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। 2023 में जो है वो एलाइड बैंक सिर्फ जॉब करने वालों अफराद को कर्ज़ की सहूलत दे रहा था, जबकि 2024 में जॉब करने वाले अफराद के साथ साथ कारोबारी अफराद भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताती चलूं, ऐसे अफराद को कोई भी बैंक कर्ज़ नहीं देता जिनके पास आमदन का कोई सबूत ना हो, क्योंकि बैंक कर्ज़ देने से पहले इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कर्ज़ लेने वाला कर्ज़ वापस कर सकता है या नहीं। एलाइड पर्सनल फाइनेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्ज़ लेने वाला पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान का रहायशी होना चाहिए। कर्ज़ की दरख्वास्त देने वाला कारोबारी या जॉब करने वाला होना चाहिए और सेलर अफराद के लिए शराइत देख चेक लेते हैं। कर्ज़ की दरख्वास्त देने वाले की उम्र जो है वो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक होनी चाहिए। आपका ताल्लुक कम से कम 6 माह से एलाइड बैंक या किसी और बैंक के साथ ज़रूर होना चाहिए। यानी जॉब करने वाले का ताल्लुक जो है वो कम से कम 6 माह से एलाइड बैंक या किसी और बैंक के साथ होना चाहिए। और इसके साथ साथ जॉब करने वाले अफराद का सैलरी अकाउंट 6 माह से किसी न किसी बैंक में होना चाहिए जहां वो अपनी माहाना सैलरी वसूल करते हैं। ऐसे अफराद जिनका सैलरी अकाउंट एलाइड बैंक में मौजूद है, इनकी माहाना सैलरी जो है वो कम से कम जो वो 2,50,000 सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में है, इनकी माहाना सैलरी कम से कम 35,000 तक होनी चाहिए। और 2 साल से मुश्किल जॉब करने वाले अफराद या 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने वाले अफराद कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कारोबारी लोगों की बात करें तो एलाइड बैंक के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कारोबार 2 साल से होना चाहिए और किसी दूसरे बैंक अकाउंट वाले अफराद का कारोबार 3 साल से होना चाहिए। यहाँ बैंक के जाने से कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब लिखे गए हैं, इन सवालों के जवाब चेक कर लेते हैं। कंपोर्टिंग मार्कअप रेट होगा जो है, इसके अलावा जॉब करने वाले अफराद से 1 साल के काइबर के साथ 17% जो है वो मार्कअप लिया जाएगा। कारोबारी अफराद से 1 साल के काइबर के साथ 18% मार्कअप लिया जाएगा। दरख्वास्त प्रोसेसिंग फ़ीस एडवांस में नहीं ली जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि आप किस तरह से कर्ज ले सकते हैं। कर्ज लेने के लिए एलाइड बैंक में अकाउंट ओपन करवाना होगा और बैंक को ऑटो अपडेट की इजाज़त भी देनी होगी ताकि बैंक मुकर्रर तारीख को आपके अकाउंट से माहाना किस्त जो है वो डेबिट कर सकें। और कर्ज लेने के लिए आपकी ECIB रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों कर्ज लेने के लिए आपकी थोड़ी बहुत जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री भी होना लाजमी है ताकि बैंक से कर्ज लेने के लिए आपकी दरख्वास्त बआसानी मंजूर हो सके। अगर आप एलाइड बैंक से पर्सनल फाइनेंस लेना चाहते हैं तो ज़रूरी कागजात के साथ बैंक की हर ब्रांच में जाकर अपनी दरख्वास्त किसी भी जो ब्रांच है नज़दीक उसमें आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप अपने कर्ज़ की माहाना किस्त देखना चाहते हैं तो एलाइड बैंक की वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर से माहाना किस्त भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो की समझ भी लग गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, तब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।